हमार विंध स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, अपना पंच देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। खबर रीवा से है, जहां नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत नगर निगम के उड़न दस्ता टीम गुरुवार का संजय नगर पहुंची और कार्रवाई कई के जहां सड़क के किनारे खड़ी गुमतिन का जब्त कर लीन। बतावा गया कि कई एक बेरी अतिक्रमण हटवावे के अल्टीमेटम दिन का रहा, पे अतिक्रमणकारी अपने आदतन गुमटी लगावत रहे। वही शुक्रवार का नगर निगम के उड़न दस्ता के टीम बिहनी अतिक्रमण हटावे पहुंची, जहाँ अतिक्रमणकारी हड़कंप मच गया। कुछ जने अपन दुकान खुदे हटाए लेन, पर जे नहीं हटाए पाए उनका नगर निगम के टीम जब्त कर लेन। बिहान दिन कार्रवाई हुए के चलते दुकानन में दुकानदार खोले नहीं पहुंच पाए, जेके कारण नगर निगम और दुकानन का ही जब्त करके दोबारा अतिक्रमण करे खातिर कड़ी कार्रवाई के चेतावनी दी है। सतना जिला माही अनोखी शादी भाई जौने माही रीवा से बारात तथा चार पहिया वाहन में गए, पर दुल्ही के विदाई हेलीकॉप्टर से भाई। यह हेलीकॉप्टर जयपुर से बिटिया के पिता मंगवाएं। अपना का बताई दई कि मैहर के बिल्दरा सतना रोड के रहने वाले अजय सिंह के लाडली आयुषी के शादी रीवा के नेवी लेफ्टिनेंट कमांडर अरविंद सिंह के संगे 27 अप्रैल का भय, जे रीवा के इंदिरा नगर के रहने वाले रिटायर्ड सूबेदार अर्जुन सिंह के बेटा है। वहीं बिटिया के पिता अजय सिंह की इच्छा रही कि उनकर बेटी के ब्याह शानदार ढंग से हो, जेके खातिर वो अपने बेटी के विदाई का खास बनावे खातिर सलगा तामझाम करें। खबर रीवा के कोतवाली थाना क्षेत्र से हवाई, जहां घरे के बहिरे से 2-4 पहिया वाहन चोरी हुई गये। पहली चोरी जहां उमरी में भय, तब वही रीवा शहर के वार्ड क्रमांक 15 मां रतहरा मां दूसरी चोरी भय। दोनों जगह से बदमाश 4 पहिया वाहन चोरी कर ले गए। फिलहाल पुलिस वाहन चोर के गिरोह का हेरे में जुटी हवे। रीवा जिला के हनमना के जंगलन से तेंदुपत्ता संग्रहण शुरू के आदेश के पहले जंगल से तेंदुपत्ता टोर के लोग अपने घरे में इकट्ठा करब शुरू कर दी है, जबकि जंगल विभाग के कर्मचारी कई ध्यान नहीं दे रहे। वहाँ अगर ये तेंदुपत्ता चोरन का रोका नहीं गा, तो जंगलन में रहने वाले आदिवासी और ग्रामीण जो तेंदुपत्ता टोर के अपन पेट चलाए रहे हैं, उनके साथ अन्याय हुई। यह अब तेंदुपत्ता टोरे के अपता का आदेश नहीं निकारा गया, देखे को हुई के मामला माही प्रशासन कब अपनी नींद से उठा थी। पर्यावरण के बचावे के पहल का अप्रशासनिक कामकाज से जोर के प्रदेश माही हरियरी बढ़ावे के नया जतन कीन जाला हवे, जेकर शुरुआत सतना से हो चुकी हवे। प्रदेश माही अनोखी पहल सतना के अपर कलेक्टर राजेश शाही शुरू करीन हवे। एमा कोर्ट मैरिज खातिर जोड़न का ही पौधारोपण जरूरी बनाए दीन गए हवे। एमा जोड़न का 5 फलदार पौधा कोनो सुरक्षित जगह में लगाए के पौधा के फोटो और वीडियो अपर कलेक्टर का दिखावे का हुई। एक साथ है संकल्प करे परी के अपने लगाए पौधन के देखभाल करी, जेके बाद दंपत्ति का विवाह के प्रमाण पत्र दीन जाई। अपर कलेक्टर के कोशिश माही अब तक 38 विवाहित जोड़ा 190 फलदार पौधा लगाए चुके हमा। एक साथ है पौधारोपण कई के दंपत्ति घलाए खुशी जाहिर करी नहीं बे। रीवा एसपी नवनीत भसीन जवा थाना के वार्षिक निरीक्षण करे थाना पहुंचे, जहां सलामी के बाद थाना कर्मचारी के आवास कॉलोनी के निरीक्षण करी। वहीं थाना माही पानी के समस्या का जल्दी सुलझावे के निर्देश के साथ है थाना के लंबित शिकायतन के निराकरण करे खातिर निर्देश दीन। इस समय SDOP समरजीत सिंह और थाना प्रभारी घलाए उपस्थित रहे हम। रीवा के मनगमा हरदी गांव माही सेंध लगाए के चोर सोन चांदी के गहनन के साथ है नकदी चुराए ले गए। चोरी के पता उस समय लाग जब घरे के लोग बिहन्ने जागे, तब बहिरे से दरवाजा बंद मिला। यह घटना अजय द्विवेदी के घरे में भय, जहां घुसे बदमाश घरे से पेटी उठाए के दूरी ले गए और फुर्सते माही सामान चुराए के फरार हो गए। पीड़ित करीब 5 लाख रुपया के चोरी हुए के बात कह रहे हम। मनगवा पुलिस अजय कुमार द्विवेदी के शिकायत माही अज्ञात लोगन के खिलाफ चोरी के मामला दर्ज करके आरोपी के खोजबीन कह रही है। खबर रीवा के तेउथर जनपद पंचायत के रेही गांव से रही, जहां रोजगार सहायक के ऊपर मनमानी के आरोप लगावा जाला है। कलेक्टर से शिकायत कई के जानकारी दीन जाला है कि रोजगार सहायक प्रधानमंत्री आवास योजना में ही हितग्राहीन से 20,000 रुपया घूस लेके योजना के लाभ देवावल्ला हम। अतने नहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के मजदूरन के घलाए भुगतान नहीं कीन गाय और दूसरे हितग्राहीन के नाव पात्रता सूची में घूस न दे के कारण काट दीन गा, जहां पैसा लेके अपात्र लोगन का घलाए प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ दीन गा हवे। वहां इस अलगे मामला के जांच के मांग कीन गई हिबे। एक साथ है गांव रईकवारा के दिव्यांग हितग्राही अमृतलाल द्विवेदी और जने के इंद्रजीत कोल के साथ है दूसर हितग्राही GRS के ऊपर घूस मांगे के आरोप लगाए हिबे। आई सुनाई थे तेउथर जनपद पंचायत क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण जे अपने समस्या का सुनाई के न्याय के गुहार लगाए हिबे।
आज हम लोग चौथर जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत रेही के जनेह गांव में आए हुए हैं, जहां पर एक पीएम आवास ऐसा है जो कि बिना छत पड़े इसकी सारी किस्तें निकल चुकी हैं और इसे आवास पूर्ण दिखा दिया गया है। और इसमें आप लोग देख सकते हैं अभी तक छत भी नहीं पड़ी हुई है भैया। आज दिनांक 4 अप्रैल 2022 को हम लोग यहां पर आए हुए हैं भैया। थोड़ा अंदर से दिखाइए इसको, छत अच्छे से दिख सके। दिख रहा है ये, इसमें छत आज तक नहीं पड़ी हुई है। ये पट्टी बल्ली लगा के बस पैसा निकाल लिया गया है। आवास जो है ग्राम जनेह के सत्यभान के नाम पर है और ये पंचायत सचिव एवं जीआरएस ने मनमानी दिखाते हुए इसको बिना छत पड़े ही इसका पूरा पैसा निकाल लिया गया है। देख लीजिए, नाम हमारा नाम ललित दुबे। आप त्योंथर जनपद में किस संदर्भ में आए हुए हैं? हम आए हैं जीआरएस के और सचिव के, सरपंच सहायक सचिव सबके नाम मैं कंप्लेन किया। मेरे घर में जबरदस्ती दूसरे का दर्शा करके कॉलोनी काट काट करके दूसरों का, गरीबों का और हमारे घर को दिखा रहा है। और हमारी माता जी का टोकन में नाम था वो काटा, लैट्रिन का पैसा मेरा खा लिया, कुछ भी आज तक नहीं दिया। हम चाहते हैं कि ऐसा सहायक सेक्रेटरी और ऐसा सचिव को जांच कर करके कड़ी से कड़ी, सरपंच को कड़ी से कड़ी जो जांच का नियम है वो का कानूनी कार्रवाई उनके साथ किया जाए। मेरा नाम राजेश कुमार मिश्रा उर्फ राजू, ग्राम सोहरवा तहसील चौंखड़ा रीवागंज वासी। मैं सोहरवा एवं चौंखड़ा पटवारी हल्का का कृषक। मेरा धान गेहूं खरीदी केंद्र सोहरवा नियत किया गया है, क्योंकि सोहरवा सोसाइटी है, सहकारी समिति सोहरवा है। ये सेल्समैन प्रमोद ओझा एवं समिति प्रबंधक दोनों की मिली भगत से ये अपने पैसा कमाने के उद्देश्य से डुड़किया का रहने वाला है प्रमोद ओझा। अपने गृह ग्राम के पास बघवारी में गेहूं खरीदी कर रहा है। किसानों से 200 से रुपए से लेकर 500 रुपए तक तौलाई एवं जो है पास कराई ली जाती है। नीलेश पांडे जो प्रशासक हैं सेवा सहकारी समिति के, उनका ये कृपा पात्र है प्रमोद ओझा। इसकी फर्जी ढंग से नियुक्ति भी की गई है। खबर रीवा से है जहां ऐतिहासिक जय स्तंभ बचावे और यूक्रेन रूस युद्ध के विरोध के अभियान में ही दीप प्रज्वलन सत्याग्रह के 62वें दिना समाजवादी पार्टी खुल के भागीदारी निभाई। ये अवसर में ही सत्याग्रही कहीं के रीवा के जय स्तंभ चौक में पुरान गवर्नमेंट प्रेस का हटाए के समदड़िया माल के सौंदर्यीकरण खातिर जय स्तंभ का हटावे के बाद आपत्तिजनक खबर। शहडोल जिला में ही इस समय गर्मी के सितम लोगन खातिर मुसीबत बनी हबे, तो वहीं दूसर ओर जिला मुख्यालय में ही एक उठे सार्वजनिक प्याऊ के सुविधा न होए के कारण समस्या दुगनी हुई गई है। जिला भरे के लोग काम काज और जरूरत के हिसाब से शहडोल के जिला मुख्यालय में पहुंचा थमा पै नगर पालिका के उदासीनता के शिकार हुए परत है, जहां नगर पालिका अब तक एक उठे प्याऊ के व्यवस्था नहीं करी न्याय। यहां तक के कलेक्ट्रेट के परिसर में घलाए लोगन का पिए खातिर पानी के सुविधा नहीं आए। अपने बता दें कि शहडोल में अधिकतम तापमान 45 डिग्री तक पहुंच चुका है। वहीं अगर रोजाना तापमान में नजर डाली जाए तो एक सप्ताह से 42 डिग्री के आसपास यह तापमान बना रहा है। ऐसे में लोगन का सतर्क रहे खातिर कहा जा रहा है। तुम्हें दूसर कई नगर पालिका अपने जिम्मेदारी से दूर खड़ी दिखाई रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रीवा टीआरएस इकाई महाविद्यालय के अलग अलग समस्यान का लेके 10 सूत्री मांगन के ज्ञापन सौंपी नहीं बे। अध्यक्ष कर्षदीश तिवारी बताइन के प्राचार्य का 10 सूत्री मांगन के साथ है ज्ञापन दिन गा हबे, जोने माही महाविद्यालय के 100 से अधिक छात्र महाविद्यालय के समस्यान खातिर महाविद्यालय इकाई के कार्यकर्ता इकट्ठा होई के ज्ञापन सौंपी नहीं बे, जोने माही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रही हम। आज के बुलेटिन में इतने, बखेली में खबर खातिर देखत रही मारविंद के बखेली समाचार। नमस्कार।